देखिए वीडियो आना चाहिए ठीक है, क्योंकि अच्छा यहाँ पर ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम किस लिए होता है, मैं आप लोगों को पहले इसका थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए होता है कि कैमरा का जो इशू, अगर आप लोग मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं और वो डेटा करीब ख़त्म होने के करीब है, तो यहाँ पर क्लास करने में आपको प्रॉब्लम होगा। और अगर आपने अभी तक अपना माइक को एक्टिवेट नहीं किया है तो मुझे आप सुन भी नहीं पाएंगे ठीक है। तो ये दो इशू है, अगर आप लोग ये दोनों क्लियर नहीं करेंगे तो मैं आपको बोल के भी नहीं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि आप सुन ही नहीं पाएंगे ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल क्लास को शुरू करेंगे। देखिए ये भी एक क्लास का है, इसमें डार्क एंड स्मूथ स्किन है ठीक है। तो ऑल काइंड ऑफ पोर्ट्रेट, ऑल राउंडर हम यहाँ पर काम करते हैं। ओल्ड मैन ज़्यादा डिज़ायर करते हैं लोग जो करने में, इसीलिए हम ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि ओल्ड मैन एक बहुत ही जो एक कॉम्प्लेक्स जो काइंड ऑफ चीज़ होता है। ये भी हमने कराया था ठीक है। एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस में देखिए एक चैलेंजिंग बात क्या हो जाता है कि फेस को मैच करना ठीक है। फेस को मैच करना बहुत ही एक बड़ा चैलेंज हो जाता है, जिसको हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं ठीक है। थोड़ा जल्दी मैं दिखा दे रहा हूँ, टेक्सचर्स है ना, टेक्सचर्स को फॉलो अप कीजिए, वेरी इजी टू ड्रॉ ठीक है। मतलब देख के बहुत मुश्किल लग रहा होगा आई नो, है ना, कि एक बिगिनर को बहुत मुश्किल लगेगा देख के, लेकिन प्रोसेस, अगर आप प्रोसेस जान गए तो आप उस एक प्रोसेस को बार बार रिपीट करके अपना स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है, मैं एक बार फिर से करता हूँ वो, लेकिन एक सेकंड ना मैं, एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम होता है ठीक है, और मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। एक्चुअली एक ही चीज़ अगर बार बार रिपीट होता है तो क्लास में थोड़ा इंटरप्शन होता है ठीक है। जिन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा, आप लोग थोड़ा फिगर आउट करने का कोशिश करें। देखिए ये भी एक है ना, ओके लास्ट टू बाकी बाकी है, दिखा देते। देखिए बीएड्स को देखिए कितना रियल लग रहा है ना, लेकिन इसका बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल टू ड्रॉ। लास्ट ये भी हमने क्लास में कराया था ठीक है। जो जो देखिए फैब्रिक, जो जो कपड़ा होता है वो कैसे किया जाता है ना। कपड़ा, एक सफेद कपड़ा सिर्फ सफेद नहीं होता ठीक है। सफेद जो कपड़ा होता है ना, जब हम शेड करते हैं उसमें भी बहुत काइंड ऑफ शेडिंग रहता है, क्योंकि उसमें लाइट एंड शेडो का डिफरेंशिएशन होता है ठीक है, डिफरेंट होता है लाइट एंड शेडो। देख शायद थोड़ा सा ग्लेयर आ रहा है, इसके कारण शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, लेकिन आप देख सकते हैं। ओके ओके चलिए हम क्लास का भी शुरू करते हैं। आज हम एक छोटा सा आंख ड्रॉ करेंगे, क्योंकि 1.5 घंटे का क्लास है। ये सब पोर्ट्रेट्स बनाने में टेक्स टाइम, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आज डेमो क्लास है। डेमो क्लास का यहाँ पर मेन गोल क्या है वो मैं शुरू में ही आप लोगों को बता देता हूँ। मेन गोल है कि आपके टीचर को पहचानना, कि आपके जो टीचर है या फिर मैं जो हूँ, आप मतलब आप और मेरे में वो कोऑर्डिनेशन बन पा रहा है कि नहीं, मैं जो सिखा रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तब तो आप एक बड़े क्लास में ज्वाइन करेंगे। अगर बड़े क्लास में ज्वाइन करने के बाद आपको लगता है कि सर हम तो आपकी बात समझ ही नहीं पा रहे, है ना, फिर वो तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए 1.5 घंटे का क्लास लेके आप देखिए कि एक स्टूडेंट टू टीचर जो कनेक्शन होता है वो बन पा रहा है कि नहीं ठीक है। तो इसलिए हम ये क्लास करवाते हैं, और एक छोटा सा कोई एक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करते हैं, ताकि ओवरऑल हमें कंप्लीट कर पाए, कोई मतलब जो अधूरा ना रहे कोई चीज़। अभी मैं चैट को थोड़ा सा बंद कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्शन होता है मुझे। ओके अब सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा पेंसिल, इरेजर एंड पेपर, इन तीन चीज़ को लेने को। पेंसिल जो हल्का पेंसिल है, जैसे कि जो लोग 2B, 4B, 6B यूज़ करते हैं वो लोग 2B पेंसिल लेंगे, और जिनके पास सिर्फ एक पेंसिल है वो सिर्फ एक पेंसिल से ही काम करेंगे ठीक है। लेकिन सिर्फ बैठे जो नहीं रहेंगे, अगर एकदम आप नहीं कर पाएंगे दैट्स अनदर इशू, लेकिन अगर आपके हाथ के पास ये सब टूल्स हैं तो प्लीज बैठे मत रहिए। जो पेंसिल्स है वो हम ले लेंगे, 2B पेंसिल जो है वो पहले लेंगे।
देखिए ये मैंने यहाँ पर 2B पेंसिल ले लिया है, ठीक है। जिनके पास एक पेंसिल है, जो सिर्फ वो 5 रुपीज़ वाला जो लिखने के लिए या फिर नॉर्मल काम के लिए जो पेंसिल आता है, वो अगर आपके पास है उसके साथ भी आप क्लास आज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सबके पास ये रेफरेंस होगा, सबके पास ये रेफरेंस शायद होगा, है ना, मैंने जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था, तो आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड कर लेने के बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा और आप लोग इसको देखेंगे, इसको फॉलोअप करेंगे, ठीक है। मतलब मेरे स्क्रीन से मेरे यहाँ पर रेफरेंस को नहीं देखेंगे, अपने फ़ोन से देखेंगे और जो मैं बोलूँगा उसको फॉलो करेंगे। जब मैं बोलूँगा स्क्रीन पर देखिए, तब आप लोग स्क्रीन पर देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा पास से आप देख पाए, ठीक है। ओके, सबसे पहले देखिए एक ड्राइंग में ये हम सिर्फ आंख यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, आई यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हम इसके बाद फेस ड्रॉ करेंगे बड़े क्लास में, सब कुछ करेंगे। लेकिन हर कोई एक ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आउटलाइन। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है आउटलाइन, मतलब आप जिस चीज़ का ड्रॉ कर रहे हैं उसका पहले फॉर्मेशन कैसे आप बना पा रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। समझिए, मैं जो है किसी फेमस इंसान का, जैसे कि सचिन तेंदुलकर है ना, हो गए तो उनका मैं बना रहा हूँ फेस। अब फेस ड्रॉ करने के बाद अगर उन्हीं की तरह ना दिखे फेस तो क्या फ़ायदा इतने देर तक शेड करने का, इतने देर तक वहाँ पर काम करने का, अगर वो फेस ही नहीं मैच हो रहा है तो। अगर हम पोर्ट्रेट पर काम कर रहे हैं तो पोर्ट्रेट पर जब हम काम करते हैं, जो इस क्लास का मेन इंपॉर्टेंस है, हम इंपॉर्टेंस सिर्फ पोर्ट्रेट पर ही देते हैं क्योंकि इसका मार्केट डिमांड सबसे ज़्यादा है। पोर्ट्रेट मेकिंग में सबसे ज़्यादा मार्केट डिमांड है इसका, ठीक है, ड्राइंग में। तो इसलिए हम पोर्ट्रेट को ज़्यादा यहाँ पर फोकस करते हैं, ज़्यादा नहीं पूरा ही फोकस करते हैं। और यहाँ पर हम हाइपर रियलिज्म करते हैं, मतलब फोटो जैसा ड्राइंग बनाना, एकदम अपना पूरा स्किल सेट को यूज़ करना, वो टैक्टिक हम यहाँ पर सीखते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं हम फ्री हैंड से, यहाँ पर फ्री हैंड से काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो आँख का लेंथ है, ठीक है, यहाँ पर जो आइज़ का लेंथ है, पहले हम थोड़ा बड़ा करके सब लोग ड्रॉ करेंगे। इसका जो शुरू का पॉइंट एंड जो आखिर का पॉइंट, मैं यहाँ पर अपने आँखों की इमेजिनेशन से थोड़ा सा अंदाज से मैं यहाँ पर एक मार्कआउट दे रहा हूँ कि मैं जो आँख बनाऊंगा वो इतना बड़ा होगा, वो आपके हिसाब से होगा, लेकिन बहुत छोटा मत बनाइए क्योंकि जितना छोटा बनाएंगे आप खुद का काम देख नहीं पाएंगे। अपना जो फिंगर्स होता है, ये जो पेंसिल का टिप होता है, वो ढक देता है आप क्या यहाँ पर आउटलाइन बना रहे हैं। तो थोड़ा सा बड़ा करके काम करेंगे, आपका हाथ ठीक से चलेगा और आप अच्छे से आपका देख पाएंगे कि आप बना पा रहे हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट यहाँ पर मैंने बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, देखिए ये जो आँखें एकदम सीधा है, अगर हम बीच से इसका एकदम इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर एक लाइन खींचेंगे तो हम देखेंगे ये आँख काइंड ऑफ ऐसा सीधा ही है काइंड ऑफ। तो हम क्या करेंगे, वही लाइन यहाँ पर हल्के से बना देंगे, एक सीधा लाइन, ठीक है, बहुत ही हल्के से। अब देखिए आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेंसिल को मैं ऐसे नहीं पकड़ रहा हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोगों को भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करके पेंसिल को थोड़ा सा पीछे से पकड़ना है और पेंसिल का पकड़ने का तरीका ऐसे होगा, ठीक है, दोनों उंगली से ऐसे, ये दोनों उंगली सपोर्ट का काम करेगा एंड ये तीन उंगली, मतलब ये जो अंगूठा है एंड ये जो फर्स्ट टू फिंगर्स है, ये आपका पेंसिल का होल्ड एंड उसका जो प्रेशर कंट्रोल वो सब में हेल्प करेगा। आपका हाथ का निचला हिस्सा हमेशा पेपर के साथ ऐसे टच होना चाहिए, कभी ऊपर नहीं होना चाहिए, हाथ जो है पूरा अनस्टेबल हो जाता है फिर, ठीक है, इधर उधर हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक जो लाइन खींचने के बाद, अब देखिए आपका जो गाइडलाइन है, ये सब जो है गाइडलाइन है, आपको गाइड करेगा, ठीक है, गाइडलाइंस, ये सब आपको हेल्प करेगा जो यहाँ पर आँख है उसको बनाने में। अब हम यहाँ पर आउटलाइन शुरू करने वाले हैं, सभी लोग मुझे धीरे धीरे फॉलो करिए, मैं यहाँ पर बताऊँगा कैसे करना है। देखिए कभी भी आउटलाइन एक बार में नहीं बनाना है, जैसे आँख ऐसे है तो मैं ऐसे करके नहीं बनाऊँगा, मैं इसको छोटे छोटे यहाँ पर छोटे छोटे लाइन में तोड़ तोड़ के बनाऊँगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो यहाँ पर आँख होता है, अगर आप जो आईने में खुद का आँख देखेंगे तो वो कभी भी ऐसा सिंगुलर लाइन में नहीं होता, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कर्व्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे बहुत कर्व्स होते हैं जो हमें, जो एकदम अगर हम बारीक से देखें तब हमें पता चलता है, ठीक है। इसलिए कोई भी ऐसा वन गो में ऐसा लाइन नहीं बनाएंगे, लाइंस को धीरे धीरे, मतलब थोड़ा सा बनाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, और इसका जो ऐसा ऊपर जा रहा है, ठीक है, कितना ऊपर जा रहा है वो बहुत ध्यान से देखेंगे, ऐसा ऊपर मत कर दीजिए, ठीक है,
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एकदम धीरे धीरे इसे कीजिए ताकि आप इसे अच्छे से बना पाए। पेंसिल को ऐसे पकड़िए ताकि जो पेपर पर आप प्रेशर दे रहे हैं वो मिनिमल हो सके, जितना कम से कम हो सके। क्यों? क्योंकि जो आउटलाइन का प्रोसेस है उसमें सबसे ज़्यादा गलती होने का चांस होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं इजीली, राइट? इसको हम इजीली मिटा सकते हैं अगर हम हल्के प्रेशर दे के काम करें तो। इसलिए एकदम हल्का प्रेशर दे के काम करिए और गलती से डरना नहीं है। गलती होगा ही, मेरा भी होता है, आपका भी होगा। ठीक है, तो गलती से बिल्कुल नहीं डरना है, लेकिन ऐसे काम करना है ताकि गलती अगर हो जाए उसे आप अच्छे से ठीक कर पाए। ठीक है, डरेंगे तो जरूर होगा, ना डरेंगे तो होगा, तो उसे आप कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। ठीक है, धीरे। अब देखिए ये वाला लाइन जब आप जो आपका अच्छे से बन गया, ठीक है, ये वाला लाइन जब आपका अच्छे से बन गया, जब आपको लगे कि आपको खुद से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि ये जो मैंने लाइन बनाया है और जो मेरा रेफरेंस है उसके साथ ठीक है, ठीक है, खुद को सेटिस्फेक्शन आना चाहिए पहले। फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन के साथ हम दूरी देखेंगे कि यहाँ पर जो हम रेफरेंस फॉलो कर रहे हैं, जब मैं नीचे का लाइन बनाऊंगा तब ये जो ऊपर का लाइन मैंने ऑलरेडी बना लिया है अभी उसके साथ फोटो में कितना दूरी है, मैं उतना ही दूर यहाँ पर बनाने का कोशिश करूँगा। अब मेरा ड्राइंग जितना बड़ा है उसके हिसाब से बनाऊँगा मैं दूरी। ठीक है, सिंपल। देखिए यहाँ पर मैं कुछ कुछ गलती आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि आप अगर हल्के से काम करेंगे तो कितना अच्छा हो जाए। जैसे कि देखिए ये वाला लाइन बनाया, मुझे लगा कि ये लाइन उतना अभी वैलिडेट नहीं कर रहा मुझे, ठीक है, उतना ठीक नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है और थोड़ा नीचे से जाएगा, तो मैं ऐसे करूँगा। तो मैं एकदम देखिए फियरलेस होकर काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये जो ऊपर वाला लाइन है वो मैं अच्छे से मिटा सकता हूँ, एकदम ईजिली मिटा सकता हूँ। देखिए ये मैंने मिटाया, इसका कुछ निशान यहाँ पर नहीं रहा। ठीक है, ऐसे काम करना है ताकि आपका कोई गलती का निशान ना रहे। नहीं नहीं कलर नहीं, ये हम यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में करने वाले हैं। जैसे आप लोगों को मैंने अभी जो यहाँ पर जो एग्जांपल्स दिखाए पोर्ट्रेट के, सब ब्लैक एंड वाइट में थे, तो हम उसे ब्लैक एंड वाइट में ही करने वाले हैं। देखिए मैंने वो ग्रुप में फिर से ब्लैक एंड वाइट का एक दे दिया है फोटो बाद में, सेम फोटो का ब्लैक एंड वाइट वर्जन। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे चैट में पूछिए जरूर, मैं चैट को ओपन कर लेता हूँ फिर से। कुछ अगर डाउट हो रहा है तो जरूर मुझे पूछ लीजिए कि सर ये डाउट हो रहा है या फिर ऐसे कुछ हो रहा है, मुझे जरूर पूछ लीजिए। अब देखिए, अब इतने तक हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, आँख का जो मेन यहाँ पर जो कंपोनेंट होता है जिससे हम देखते हैं एक्चुअली, जो यहाँ पर प्यूपिल होता है, प्यूपिल, इसको पूरा चीज़ को प्यूपिल बोला जाता है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। सर आई कैंट मेक। अच्छा देखिए यहाँ पर नहीं होने का कारण क्या है कि आप हो सकता है थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। रबर कौन सा रबर, आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, ये मैं थोड़ा सा एक अलग काइंड ऑफ, इसे आर्ट इरेजर बोला जाता है, नीडेबल इरेजर, उसके काम में मैं बाद में आऊँगा जब हम शेडिंग करेंगे, लेकिन कोई सा भी नॉर्मल इरेजर जो आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस टाइप का गलती को मिटाने के लिए। अब हम इसका जो प्यूपिल है उसको बनाएंगे, कैसे बनाना है देखिए। फतिमा जी मैं आपको बता रहा हूँ, सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। अच्छा यहाँ पर फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कुछ नहीं, बस आँख आप बनाते नॉर्मली, जैसे यहाँ पर अगर मैं आँख बनाता तो ऐसे डायरेक्ट भी शुरू कर सकता था, लेकिन उसके बजाय मैंने क्या किया कि यहाँ पर दो जो लाइन मैंने खींच लिया, इसका शुरू का एंड अंत का, तब
तब मैं यहाँ पर जब यहाँ पर बनाऊंगा तब मुझे पता होगा कि मुझे आँख यहाँ से शुरू करना है, यहाँ पे जाके ख़त्म करना है। जो अगर मैं जो एकदम डायरेक्ट शुरू करूँ तो वो पता नहीं चलता, कभी कभी हो जाता है कि ये बहुत बड़ा हो जाता है ना, इसलिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बीच से लाइन खींचा, ठीक है, एक बीच से यहाँ पर लाइन खींचा मैंने। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अगर आँख का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप अगर एक लाइन खींचेंगे फोटो में, तो आप देखेंगे वो काइंड ऑफ सीधा ही है, ठीक है। तो ये मैंने खींच लिया। अब मैं इसका जो आँख बनाऊंगा तब मैं इस लाइन को फॉलो करके कर सकता हूँ कि मेरा आँख जो है वो सीधा बन रहा है कि नहीं, ठीक है। बहुत धीरे धीरे इसको बनाइए, आउटलाइन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद क्या करना है, प्यूपिल हम बनाएंगे। मैं आउटलाइन हो जाने के बाद सबका काम देखूंगा, कुछ भी अगर गलती लगता है मैं नाम लेके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। आप लोग बनाइए, जैसा भी हो रहा है कंप्लीट कीजिए। अब देखिए प्यूपिल जब मैं बनाऊंगा, सबसे पहले जहां से शुरू हो रहा है प्यूपिल, जहां से शुरू हो रहा है मैं फोटो में देखूंगा कि फोटो में कहां से ये शुरू हो रहा है। अब देखिए आंख जितना बड़ा बनाएंगे प्यूपिल भी उसके हिसाब से उतना ही बड़ा होगा, एंड प्यूपिल जो है एकदम सर्किल होता है। प्यूपिल जो है एक टोटल सर्किल होता है जिसका थोड़ा हिस्सा शायद ऊपर में या फिर नीचे में ढका हो सकता है, लेकिन जितना हिस्सा विजिबल होता है वो एज अ सर्किल का पार्ट लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा ओवल दिख रहा है, अंडे जैसा दिख रहा है, या फिर वो चपटा दिख रहा है बहुत, ऐसा नहीं होना चाहिए। आँख जो होता है एक परफेक्ट सर्किल होता है जिसका ऊपर और नीचे का हिस्सा क्या होता है, स्किन से ढका होता है, जिसे हम आईलिड कहते हैं, ठीक है, आईलिड से ढका हुआ होता है। ओके अब देखिए इसके बीच में और एक सर जो सर्किल होता है जिसे आयरिस बोलते हैं, ठीक है, इसको आयरिस बोलते हैं। बस नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, आप जो भी बोलेंगे उससे ही काम चल जाएगा, बस आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर नाम बता रहा हूँ। अब ये जो सर्किल है ये एकदम इस सर्किल के बीचों बीच होगा, मिडल ऑफ दिस सर्किल, ठीक है, एकदम बीचों बीच, मतलब हर साइड से सेम डिस्टेंस रहेगा, बीच मतलब वही, उसी को बोलते हैं। मेरा नाम दिवांशु है, दिवांशु है मेरा नाम, ठीक है। देखिए मेरा नाम वहां पर दिख रहा है, मेरे जो मेरा कैमरा है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ये जो मिडिल वाला सर्कल है ये हर साइड से सेम यहाँ पर दूरी कवर कर रहा है, मतलब ये एकदम मिडिल में है। इसको ऐसे साइड में मत कर दीजिए, फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। हो गया इतना। अब हम इसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा बल्ज रहता है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप अगर बहुत जूम करेंगे, हमने बनाया है ये वाला लाइन, ठीक है, हमने ये नीचे वाला लाइन बनाया, लेकिन ऊपर में भी और एक लाइन होता है, क्योंकि जो स्किन होता है, स्किन भी तो थोड़ा थिकनेस होता है ना, स्किन तो एकदम जो पेपर जैसा पतला नहीं होता, स्किन में भी थोड़ा सा थिकनेस होता है, वो थिकनेस यहाँ पर ये ऊंचा वाला है, ठीक है, आईलिड का जो थिकनेस है। बहुत हल्के हाथ से कीजिए, गलती अगर हो जाता है उसे फिर दूर का कैसे बनेगा वो भी सिखाएंगे, दूर का कैसे, इसमें काफ़ी छोटा छोटा आइज दिख, देखिए आगे जो पहले बड़ा बनना सिखाइए तो सीखिए, उसके बाद हम छोटा। देखिए अगर आपको स्ट्रक्चर नॉलेज ठीक से आ गया ना तो आप बड़ा छोटा कुछ भी बना सकते हैं, इसलिए जब हम सीखते हैं सीखते वक्त हमेशा चीज़ों को थोड़ा सा बड़ा करके बनाना पड़ता है ताकि उसका स्ट्रक्चर हम समझ पाए, ठीक है। पहले बड़ा करके बनाना सीखिए फिर छोटा करके देखिए, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा।
अब नीचे का भी सेम, वो जो आईलेट का थिकनेस होता है अब हम जो यहाँ पर गाइडलाइंस थे हमारे, अच्छा स्लो करूँ ना प्लीज इंग्लिश, देखिए इंग्लिश एक्चुअली मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेन बात क्या है कि यहाँ पर जो हमारा मतलब बेस लैंग्वेज है वो हिंदी है, ठीक है, ताकि सब लोग समझ पाए। जो बेस लाइन था हमारा जो इधर, वो हमने हटा दिया, प्लीज मेक स्लोली, जरूर जरूर स्लोली बना रहा हूँ, मैं गाइड करूंगा आप लोगों को, ठीक है, मैं गाइड करूंगा आप लोगों को। देखिए मैं, देखिए आप लोगों को मेन जो चीज़ है वो बनाने का तरीका सीखना है। मैं एक लाइन बना रहा हूँ, आप भी मुझे देख के एक लाइन बना रहे हो, वो यहाँ पर मैटर नहीं है। आप ये जानिए कि मैं लाइन को बना कैसे रहा हूँ, ठीक है, वो अगर आप जान गए तो आप खुद ही बना पाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, आपने यहाँ पर सबसे पहले मैंने दोनों यहाँ पर पॉइंट किया, आँख का शुरू का जो पॉइंट है वो मैंने किया यहाँ पर, यहाँ से मैंने आँख शुरू किया, पहले ऊपर वाला ये आउटलाइन मैंने बनाया धीरे धीरे, ठीक है, जब मुझे लगा कि ऊपर वाला जो आउटलाइन है वो अच्छा बन चुका है, उसके बाद मैंने नीचे वाला आउटलाइन बनाया, जो दूरी है वो मैंने यहाँ पर फोटो में देखा कि फोटो में कितना दूर है, मेरा जो आँख में बना रहा हूँ उसके साइज के हिसाब से मैं कितना दूर से ये वाला लाइन को खींचूंगा, इसको मैंने धीरे धीरे से बनाया, गलतियाँ हो ही सकता है थोड़ा मोड़ा, नहीं ये पेंसिल है, ये पेंसिल नॉर्मल जो पेंसिल हम लिखने के लिए यूज़ करते हैं वो पेंसिल है, ठीक है, ये वाला लाइन मैंने किया। अब वो करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो प्यूपिल आ जाता है, अब जब हम प्यूपिल को शुरू करेंगे वो कैसे करेंगे, हम यहाँ पर फोटो में देखेंगे कि प्यूपिल शुरू कहाँ से हुआ है, हम यहाँ से दूरी देख सकते हैं, यहाँ से जो है एक दूरी हम यहाँ पर आँखों के अंदाज से यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना दूर है तो मेरे ड्राइंग में इतना दूर बनेगा, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको सीखना पड़ेगा एंड ये विथ टाइम आपके जो अंदर आएगा, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये विथ टाइम आपके अंदर आएगा। फिर देखिए मैंने यहाँ पर मार्किंग किया, और मैंने पहले देखिए मैंने जो राउंड नहीं बनाया, पहले मैंने मार्किंग कर लिया ताकि मुझे उसका जो टोटल डायामीटर है वो मुझे ठीक लगे कि हाँ ये दोनों मैंने जो मार्किंग किया है यहाँ पर, उसके साथ में जब यहाँ पर राउंड बनाऊंगा वो इस आँख के हिसाब से सही दिखेगा, ये मतलब ये जो प्यूपिल है, ठीक है, तो पहले आपको इंश्योर कर लेना है जो आप बना रहे हैं वो सही बन रहा है कि नहीं। अब मैंने यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर स्लोली छोटे छोटे लाइन करके इसको एकदम सर्किल बनाया। अब देखिए आँख का जो पूरा हिस्सा यहाँ पर सामने नहीं रहता, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा हिस्सा है जो स्किन के नीचे ढका हुआ है, लेकिन फिर भी जितना हिस्सा दिख रहा है वो एक सर्कल का हिस्सा लगना चाहिए पूरा, ठीक है, सभी लोग बनाइए, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, नो इशू, मैं सबका काम देखूंगा, मैं यहाँ पर कुछ टाइम देता हूँ, 2-3 मिनट टाइम देता हूँ, आप लोग धीरे धीरे बनाइए, फिर मैं कैमरा ऑन करके सभी का देखूंगा, ठीक है, कैमरा का परमिशन सभी लोगों को दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर अनम्यूट लास्ट में होगा, ठीक है, क्लास जो अनम्यूट है वो मैं करूँगा लेकिन लास्ट में, जो अभी नहीं, ठीक है, जब लास्ट का 10-15 मिनट बचेगा तब मैं जो अनम्यूट करके सभी का क्वेश्चन आंसर्स या फिर जो क्वेरीज है वो मैं सुन लूँगा। I have doubt. अब यहाँ पर पूछ लीजिए, अब यहाँ पर लिख के पूछ लीजिए, अभी ठीक है, उसके बाद ये प्यूपिल बनाने के बाद मैंने ये जो आयरिस होता है वो मैंने बनाया, वो कैसे बनाना है, एकदम इस सर्कल के मिडिल में बनाना है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, इसका साइज भी देख लेना है यहाँ पर। अब ये हो जाने के बाद आपका मेन जो स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। अब जो यहाँ पर एक्सटर्नल कुछ कुछ छोटा चीज़ है, जैसे कि ये वाला बल्ज हो गया, ये नीचे का जो थोड़ा उभरा हुआ उस जो हिस्सा होता है, द प्यूपिल इज नॉट अ फुल सर्कल, प्लीज सी माय कैमरा, अच्छा सर्कल अगर नहीं हो रहा है तो सर्कल कीजिए उसे, अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग आ रहा है कि मेरा सर्कल नहीं बन रहा है
तो आप जहां पर लग रहा है सर्किल नहीं बनाए उसको मिटा के ठीक कर लीजिए, सिंपल। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर देखना चालू कर देता हूँ, जिनका नहीं हुआ है वो लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करके मुझे दिखाइए। अगर आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसका बैक कैमरे से दिखाइएगा, ठीक है, फ्रंट कैमरा में वो ठीक से नहीं दिखता। अच्छा सोनाक्षी जैन, अच्छा आपका अच्छा बन रहा है, गुड, लेकिन प्यूपिल का जो सर्कल है वो थोड़ा सा ओवल हो चुका है ना, ओवल शेप हो चुका है, टोटल सर्कल नहीं है, उसको थोड़ा सा ठीक करिए, ठीक है, उसको थोड़ा सा ठीक करिए, बाकी बाकी काइंड ऑफ ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा कुछ इशू नहीं है, लेकिन और थोड़ा सा ऐसा बड़ा हो गया, ये जो हिस्सा है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन वो मतलब ऑड नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है। अच्छा प्रगति त्रिपाठी त्रिपाठी सॉरी जो गुड है ना, अच्छा बन रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये जो साइड का है इसको थोड़ा सा सर्किल कर दीजिए, साइड का थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो वो सर्किल दिखेगा। जो मत अद्रिका राठौर, गुड वर्क, देखिए सभी लोग यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, मुझे गलतियाँ बहुत कम दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, जब आप लोग ऐसे स्लोली फॉलो करेंगे हर कुछ जल्दी सीखेंगे, ठीक है, हर कुछ चीज़ जल्दी सीखेंगे, मैं सभी का देखूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम देना है क्योंकि यहाँ पर इतने सारे स्क्रीन्स ओपन है तो मुझे फॉलोअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जन्नाउतुल राइट, शायद मैं अगर किसी का नाम जो प्रोनाउंसिएशन गलत होता है सो आई एम सॉरी, तो उनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आपका ठीक बन रहा है, ठीक है, उतना कुछ इशू नहीं है, बस प्यूपिल जो है सॉरी आयरिस जो है वो थोड़ा सा डिसलोकेट हो गया है, उसको थोड़ा सा मिडिल में रखिए, ठीक है। फिर यहाँ पर कृष्णा प्रिया, आपका भी अच्छा बन रहा है, आप शायद थोड़ा छोटा बनाए हैं, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा बड़ा बनाना चाहिए जो मतलब चाहिए था, तो आपका बात का प्रोसेस बहुत अच्छे से होगा। कृष्णा प्रिया जी अच्छा बन रहा है, ठीक है, नॉट वेरी मच, मतलब बहुत गलती नहीं है, थोड़ा मोड़ा है, दैट्स टॉलरेबल, ओके। अनुज जी अच्छा बन रहा है, खुशबू जी आपका भी अच्छा बन रहा है, बस ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला जो जगह है ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर दीजिए, ठीक है, ये ऐसे लंबा हो चुका है, उसको नीचे कर दीजिए, हाँ हाँ राइट राइट वो वाला हिस्सा, उसको थोड़ा नीचे कर दीजिए, देखिए इसका डिस्टेंस बहुत कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा रुकिए यहाँ पर, फतिमा जी अच्छा बन रहा है काम, ठीक है, थोड़ा प्यूपिल का साइज सभी लोग देखिए, सभी लोग जो है थोड़ा प्यूपिल का साइज देखिए, प्यूपिल सर्किल बहुत कम लोगों का हो रहा है। प्रिया जी बहुत अच्छा बन रहा है, ओके ओके। आयुष जी गुड वर्क, बहुत बड़ा करके बनाया आपने, विच इज़ गुड, ठीक है, गुड गुड अच्छा बन रहा है, वेरी गुड। नैतिक अग्रवाल गुड वर्क, थोड़ा सा बड़ा बन गया है ये वाला सेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा वाइड हो गया है, उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, और आंख जो है वो सर्किल नहीं बना है, आपको सर्किल कीजिए। आपके पास अगर कंपस है साइड में एक सर्किल बनाइए, आंख में नहीं साइड में एक सर्किल बनाइए, फिर समझिए कि सर्किल कैसा दिखता है, उसको इमिटेट करिए, उसको देख के खुद फ्री हैंड से बनाइए, कंपस से नहीं बनाएंगे, ओके। पवन जी गुड वर्क, थोड़ा सा ये वाला सेक्शन को देखिए नीचे हो गया है, अच्छा कैमराज बहुत जल्दी स्लाइड हो रहे हैं तो मुझे टाइम देना पड़ेगा थोड़ा, मैं सभी का देखूंगा काम, ओके। शारदा जी गुड वर्क, अच्छा काम है। चिरंजीव जी गुड वर्क, बस ये वाला जगह थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका है, ये साइड वाला, उसको थोड़ा देखिए। हर्ष जी गुड वर्क, ओके ओके। अनुज जी गुड वर्क, दैनिश मलिक राइट, दैनिश मलिक गुड वर्क, अच्छा काम है, ठीक है, देखिए कितना अच्छा आउटलाइन बनाया मैक्सिमम लोगों का, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख कर, अच्छा। जैना फतिमा है ना, आप जो और एक बार दिखाएंगे अपना काम, राइट, देखिए आपका ना थोड़ा सा एक गलती हुआ है, कहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो आपने किया है ना उसको थोड़ा देखिए, आपने झट से ऐसे ऊपर कर दिया है ना, इस जगह को थोड़ा देखिए आप, अब खुद के काम को देखिए, फिर से खुद देखिए और यहाँ पर जो जो मैं बोल रहा हूँ उसे सुनिए, देखिए ये वाला जगह को देखिए,
इसको ना आपने झट से ऊपर कर दिया है। देखिए आपका खुद का काम देखिए, राइट, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना, उसको आपको ऐसे सीधा कर देना है, ठीक है, वो थोड़ा सा ऑड दिख रहा है। पवन जी गुड वर्क, ओके, वेरी गुड, सभी लोग बहुत अच्छा बना रहे। दीक्षा जी गुड वर्क, ओके, हर्ष सिन्हा गुड वर्क, जिनका अच्छा काम गुड वर्क बोल रहा हूँ उनका ज़्यादा कुछ यहाँ पर, ओके, हर्षिता साइनी गुड वर्क, अच्छा चलिए बहुत अच्छा काम हो रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, है ना, छोटा मोटा गलती है, दैट्स टॉलरेटेबल, वो टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, ज़्यादा स्पेकुलेटिव होंगे तो मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, है ना, हमें थोड़ा कम कम देखना पड़ेगा, जैसे कि अगर मतलब 80% सही है दैट्स अ गुड वर्क, है ना, एकदम 100% कभी नहीं कोशिश करना है, तब इम्प्रूवमेंट नहीं होता, स्लो हो जाता है बहुत। ओके ठीक है, ओके, मुस्तफ़ा जी गुड वर्क, जनाउतुल जी गुड वर्क, ठीक है, सभी का बहुत अच्छा काम है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके नंदिनी जी, आप शायद उल्टा करके दिखा रहे हैं, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, पिपल को थोड़ा छोटा कीजिए, इसको थोड़ा छोटा कीजिए, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, जिनका मैंने बताया है सभी लोगों का, मैक्सिमम लोगों का बहुत अच्छा है, मैंने अभी हटा दिया है, ठीक है, अब मैं और नहीं देखूंगा, अब मैं क्लास में फिर से फोकस कर रहा हूँ, अब हम इसमें शेडिंग जो है वो चालू करेंगे। अब देखिए शेडिंग में एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं कुछ कुछ टूल्स यहाँ पर यूज़ करूँगा, ठीक है, कुछ कुछ नए टूल्स जो शायद आपके पास नहीं होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसलिए वो मैं यूज़ करूँगा क्योंकि जो जो हमारा बड़ा क्लास होता है, मेजर क्लास होता है, मेन क्लास होता है, उसमें हम कैसे करते हैं, ठीक है, आप लोगों को पता चले कि टूल्स अगर कुछ कुछ हमारे पास है, कुछ कुछ सिलेक्टिव टूल्स अगर हमारे पास है, तो काम कितना ईजी हो जाता है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो उस जगह पे अगर आप लोग देखें कि सर आप ऐसा ऐसा टूल्स यूज़ कर रहे हैं जो हमारे पास कभी हमने देखा ही नहीं, अगर ऐसा सिचुएशन है सो डोंट वरी, आपके पास जो भी अगर एक पेंसिल है उससे ही भरिए, ठीक है, फिलअप कीजिए, लेकिन उसको फिलअप करना है, ठीक है, आप देखिए सीखिए कि मतलब ऐसा टूल्स भी होता है, उसका यूज़ कैसे होता है वो सीखिए, ठीक है, मेन उसी का यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, और बाकी जो भी टूल्स अगर आपको कुछ मैचिंग होते हैं आपके पास वो यूज़ करिए। ओके सबसे पहले मैं यहाँ पर शेडिंग जो है वो करने से पहले थोड़ा इसका सराउंडिंग एरिया को मिटा देता हूँ, ओके अब देखिए हम यहाँ पर सबसे पहले यूज करने वाले एक ब्रश ब्रश, ठीक है, ये कोई ड्राइंग ब्रश नहीं है, ये मेकअप ब्रश है, ठीक है, ये कोई ड्राइंग ब्रश नहीं है, आप अगर ड्राइंग शॉप में जाएंगे ऐसा ब्रश आपको नहीं मिलेगा, ये मेकअप के दुकान पर मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर मेकअप का जो है सामान वो वहाँ पर सेल होता है, तो ये जो ब्रश है इसको हम सिर्फ नहीं यूज़ करेंगे, इस पर कुछ लेके हम यूज़ करेंगे, वो है चारकोल पाउडर, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, चारकोल पाउडर जो है वो हम ड्राइंग में मेजरली यूज़ करते हैं, ज़्यादातर टाइम हम चारकोल पाउडर को यूज़ करते हैं, उसका एक रीज़न है, आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि पाउडर कितना जो इफेक्टिव हो जाता है काम करने में, जैसे आपने देखा यहाँ पर ये पेपर के ऊपर आप यहाँ पर ब्लैक देख सकते हैं, ये फाइन ग्रेन का पाउडर है जो मतलब मैंने रेडीमेड बाय नहीं किया है, इसको मैंने बनाया है, किससे बनाया है, कैमलिन का एक स्टिक आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, कैमलिन का एक कंप्रेस चारकोल का स्टिक आता है, कंप्रेस चारकोल मतलब चारकोल को एकदम बहुत प्रेशर में दबा के ऐसे बनाया जाता है, उससे क्या है जो सैंड पेपर आता है, सैंड पेपर नॉर्मल हार्डवेयर शॉप में मिलता है, उससे यहाँ पर घिस के मैंने ये पाउडर खुद बनाया है, जब हम खुद बनाते हैं तब उसमें जो क्वालिटी चेक है बहुत अच्छा हो जाता है, जैसे ये पाउडर बहुत ही फाइन ग्रेन का है, इसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, बड़े पार्टिकल्स नहीं है, तो काम बहुत अच्छे से होता है, ठीक है, अब इसका यूज करके हम करेंगे जो करेंगे थोड़ा सा साइड में रखते हैं इसको, ओके, ताकि आप लोग देख पाए, अच्छा देखिए यहाँ पर ब्रश से मैंने ऐसे चारकोल लेना है, रुकिए थोड़ा सा और साइड कर देते हैं,
ब्रश से देखिए ऐसे मैं चारकोल ले रहा हूँ। अब देखिए कैसे, मैं एक बार में ऐसे नहीं ले रहा हूँ, मैं धीरे धीरे इसको डैप कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि चारकोल मुझे कम लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करूँगा इस वाले पार्ट से, ठीक है, ये जो जो मिडिल वाला पार्ट है उससे मैं शुरू करूँगा। देखिए ब्रश को मैंने कैसे पकड़ा है, कितना दूर से और किस मोशन में मैं यूज़ कर रहा हूँ। राउंड मोशन में, साइडवेज नहीं, राउंड मोशन में यूज़ करने का एक फ़ायदा है कि जो पाउडर है वो इवनली स्प्रेड होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक जगह पर गुच्छा बन जाता है, वो इवनली स्प्रेड होता है। जिनके पास चारकोल पाउडर नहीं है, आप लोग पेंसिल से, आपके पास पेंसिल है, पेंसिल लेके ऐसे ऐसे आप लोग उसे फिलअप करिए, ठीक है। जी, जिनके पास जो है उसी से काम करिए, है ना, ऐसा मत करिए कि सर मेरे पास तो नहीं है मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल ऐसा मत बोलिए, ठीक है। आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, लेकिन देखिए कि इस टूल के साथ भी क्या क्या किया जा सकता है। कितना इवन स्प्रेड होता है ना, कितना इवन स्प्रेड होता है, कितना एक अच्छा रियलिस्टिक लुक देता है एक ड्राइंग में, और कितना टाइम सेविंग है, कितना जल्दी बन जाता है, ठीक है। तो हमें इफेक्टिवनेस भी जो है ज़्यादा मिल रहा है, टाइम सेव हो रहा है, ठीक है, जो हमें सबसे ज़्यादा चाहिए एक ड्राइंग में। जब मैं छोटे जगह पर काम करूँगा, देखिए ब्रश पर मैं थोड़ा सामने से पकड़ रहा हूँ ताकि मुझे जो है छोटे जगह में अच्छे से कंट्रोल मिल सके। अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी, तो यहाँ पर देखिए टोटली मैंने मैक्सिमम जो है ये वाला प्लेस जो है फिल आउट कर दिया है। अब देखिए ब्रशेस का लिमिटेशन होता है ना, ब्रश का लिमिटेशन क्या है, उसका फ़ायदा जैसे कि यहाँ पर टाइम सेव करता है, जल्दी काम करता है, इफेक्टिव काम करता है, लेकिन ये स्मॉल एरियाज में काम नहीं कर सकता। इसका एरिया ऑफ सर्फेस कितना बड़ा है, इसका एरिया ऑफ सर्फेस कितना बड़ा है, तो ये स्मॉल एरिया में बिल्कुल काम नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसका बहुत बड़ा एरिया है, तो इसलिए हम इसको रख कर अब चारकोल पेंसिल को यूज़ करेंगे। जिनको नहीं पता चारकोल पेंसिल क्या होता है, मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ। चारकोल पेंसिल नॉर्मल पेंसिल जैसा ही होता है, बस उसका जो मटेरियल है वो अलग होता है, चारकोल से बना हुआ होता है, ठीक है, जो पेंसिल से टोटल अलग अलग होता है, लेकिन उसका दिखने में एक ही पेंसिल जैसा ही होता है। हम यहाँ पर एक चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे। इसका फ़ायदा क्या है, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए चारकोल पेंसिल से आपको डार्केस्ट रिजल्ट मिलता है, एकदम डार्केस्ट। जैसे कि आप यहाँ पर अगर नोटिस करेंगे ये टोटल ब्लैक है, ठीक है। ड्राइंग में कॉन्ट्रास्ट को मेनटेन रखना है हमेशा, मतलब जो जगह ब्लैक है उसको ब्लैक ही बनाना है। जितना हल्का बनाएंगे ड्राइंग बहुत डल दिखेगा, फेड दिखेगा, ठीक, इसलिए। जो एक ही पेंसिल से कर रहे हैं वो थोड़ा सा एक पेंसिल में ही थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देंगे बीच वाले सेक्शन में जहां पर मैं अभी काम कर रहा हूं। अब इसके बाद मैं और देखूंगा डार्क वाला पोर्शन कहां पर है, डार्क डार्क जो पोर्शन है वो कहां पर है, कहाँ पर है हम देखेंगे, खोजेंगे। इस ऊपर में है, ठीक है, ऊपर में भी ऐसे पेंसिल से कर देंगे। अब देखिए बहुत ही छोटा जगह है ना, यहाँ पर अब फिलअप करने में हमें पेंसिल
जैसे ही कुछ चीज का यूज करना पड़ेगा, छोटे चीज का। सर कैन आई गो गेट इट, मतलब आपके पास है, आप लेने मतलब लेने जाएंगे, वो पूछ रहे हैं। हाँ, जरूर जरूर जरूर। अच्छा, स्लोली, ठीक है, स्लोली कर, स्लोली करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, टाइम लिमिट है थोड़ा सा, तो आप लोगों को एक एंड रिजल्ट दिखाने का मुझे यहाँ पर मौका चाहिए, कि एक आखिर का काम आप देख सके, कंप्लीट वर्क कैसा दिखता है। इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड से भी कर रहा हूँ, थोड़ा स्लो भी कर रहा हूँ, ठीक है, वो आप लोगों को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, है ना। अभी ब्लैक, हाँ, जरूर 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 प्रगति जी, आप वो ब्लैक पेंसिल का यूज कर सकते हैं, ब्लैक कलर पेंसिल अगर है आपके पास, जरूर यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब इस ब्रश का काम खत्म हुआ। अब देखिए, और एक काइंड ऑफ ब्रश हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए, छोटा ब्रश है, मैं इसके फिंगर के साथ आप अगर इसे कंपेयर करेंगे, कितना छोटा ब्रश है, ये भी मेकअप ब्रश है, ठीक है। ड्राइंग में हम सिर्फ मेकअप ब्रश का यूज करते हैं। आप सोचेंगे, सर आप क्या सिर्फ मेकअप ब्रश का यूज करते हैं? मोस्ट ऑफ द ब्रशेज आर मेकअप ब्रशेज, ठीक है। 10B, हाँ 10, जो 10B भी यूज कर सकते हैं, जरूर जरूर। 10B भी डार्क होता है बहुत, कि नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल जो होता है ना, वो बहुत शाइन करता है, चमकता है बहुत ज्यादा, ये चमकता नहीं बिल्कुल भी। चारकोल का कोई भी ग्लेयर शाइन नहीं होता, है ना, इसलिए काम इतना ओपेक दिखता है। ओपेक मतलब इतना डार्क दिखता है, जो कॉन्ट्रास्टेड दिखता है पूरा। अब देखिए, इसमें आप एक देख सकते हैं, बॉर्डर के तरफ से ना ब्लैक है, आंख में ये जो प्यूपल है इसका बॉर्डर के तरफ से ब्लैक है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो छोटा वाला ब्रश है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके चारकोल लूंगा, बस स्मॉल बिट, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, और ऐसे बॉर्डर में ऐसे मैं यूज करूंगा। जो चारकोल मैंने ऑलरेडी पुट किया है उसको भी ब्लेंड करूंगा। देखिए, ब्लेंडिंग किसको बोला जाता है, किसी को पता है? मुझे थोड़ा लिखिए तो कमेंट में, किनका ब्लेंडिंग का सेंस है, मुझे यहाँ पर जानना है, ब्लेंडिंग किसको बोला जाता है। मैं फिर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, एंड पहले मैं तो सुनना चाहता हूँ, शेडिंग को मर्ज करना, एकदम राइट आंसर, ठीक है। मिक्स करना, मर्ज करना, मतलब जब हम ब्लेंड करेंगे तब पेंसिल या फिर जो भी टूल हम यूज करेंगे, पेंसिल से तो ब्लेंड नहीं होता, टूल से ब्लेंड होता है, जैसे कि ब्रश हो सकता है, ब्लेंडिंग स्टम्प हो सकता है, कॉटन हो सकता है, नॉर्मल कॉटन, कॉटन बड्स हो सकता है, कोई भी टूल के साथ जब हम किस चीज को मिक्स करेंगे, मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं लेंगे, उसके साथ ब्लेंड करेंगे, ठीक है, उसके साथ मिक्स करेंगे, राइट राइट। ब्लेंडिंग और अप्लाइंग में फर्क होता है बहुत, अप्लाइंग मतलब कुछ कुछ चीज को डालना यहाँ पर पेपर के ऊपर, ब्लेंडिंग मतलब उस डाले हुए चीज को मिक्स करना, ब्लेंड करना। सर मेरे पास ब्रश नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पेंसिल का यूज करिए, ठीक है, ब्रश की जगह पर, और ब्लेंडिंग जो करने के लिए, अगर कॉटन बड्स है, कॉटन बड्स मतलब ये, कैमरा फ्रीज हो गया फिर से, हाँ ये, हाँ ये चीज है ना, ये अगर आपके पास है, इससे भी ब्लेंड कर सकते हैं आप।
और थोड़ा आपको ना ऐसे खुल के काम करना, डर डर के काम नहीं करना है, फिर बहुत चीज़ छूट जाता है। जैसे कि देखिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने फ़ोन को थोड़ा साइड कर दिया क्योंकि मुझे वो एक फील नहीं आ रहा था कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ उस जगह पे। तो आपको कभी भी डर के काम नहीं करना है। जैसे इस जगह पर डार्क है तो मैं एकदम जो निडर होके उस जगह पर डार्क दूंगा, डरूंगा नहीं कि डार्क दूंगा तो ड्राइंग खराब हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फोबिया है जो काम को आपको एवरेज रखता है। जिस जगह पर डार्क है देना है, ठीक है, मतलब ऐसा माइंड सेट होना है कि इस जगह पर डार्क है मतलब मैं दूंगा, जितने तक है उतने तक ही दूंगा। गलती कहाँ पर होता है, जब हम ज्यादा दूर तक उसे बना देते हैं। डार्क समझे इतने जगह तक है, हमने बना दिया पूरे में, तो ही तो गलती हो जाता है ना। आई एम यूजिंग ब्लेंडर। हाँ ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्लेंडर का थोड़ा ड्रॉबैक है, मतलब थोड़ा सा उसका डाउन साइड है। ब्लेंडर में उतना यूज़ नहीं करता, लेकिन बहुत अच्छा है, इफेक्टिव टूल है, लेकिन मैं उतना पर्सनली यूज़ नहीं करता। मैं ये जो कॉटन बर्ड्स है, नॉर्मल कॉटन है, ये मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ नहीं है तो वो ब्लेंडर तो बहुत अच्छा है ना। कुछ ना होने से कुछ होना बहुत अच्छा है। देखिए हम थोड़े से वेरियस ब्रश, जैसे कि ये एक वाटर कलर ब्रश है। सर आई एम नॉट श्योर मेकिंग, अच्छा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, इट्स ओके okay. ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। आप अगर समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, नो प्रॉब्लम, आप देखिए ध्यान से, मैं सुनूंगा आपका जो है, जो भी क्वेरी आप लिखिए मैं ज़रूर सुनूंगा। देखिए अब ये वाला ब्रश कौन सा ब्रश है, ये वाटर कलर ब्रश है, नॉर्मल सिंथेटिक वाटर कलर ब्रश। ठीक है, सिंथेटिक वाटर कलर ब्रश 2 या 3 नंबर का जो हो सकता है। इससे भी बहुत अच्छा चारकोल अप्लाई होता है, थोड़ा थोड़ा करके चारकोल लेना है और इसे अप्लाई करना है। दूर कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अभी तो बस बेस जो है वो अप्लाई हो रहा है, एक फाउंडेशन जो है वो एप्लीकेशन हो रहा है अभी। अभी भी इसमें थोड़ा सा काम बाकी है सर, मेरा आर्ट नहीं हो रहा है जी, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं ज़रूर देखता हूँ। देखिए आप जिन लोगों का नहीं हो रहा है ना, मुझे पर्टिकुलर रीज़न बताइए। एक सेकेंड, मुझे पर्टिकुलर रीज़न बताइए, सिर्फ ये मत बोलिए कि सर नहीं हो रहा है। मुझे जानना है क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पर पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रहा है वो मुझे बताइए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इस ब्रश के साथ मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरा पर्टिकुलर रीज़न है, ठीक है, मुझे रीजन बताइए क्यों नहीं हो रहा है, किस जगह पे अटक रहे हैं आप वो मुझे बताइए। तो ओनली पेंसिल से नहीं हो रहा जी। देखिए पेंसिल से आप अगर इसके जैसा आउटकम चाहेंगे तो वो इम्पॉसिबल है, राइट। आप अगर पेंसिल से चाहेंगे कि आप सर जैसा बना रहे हमारा भी वैसा बने तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन करिए कुछ तो बनेगा, है ना। खाली सिर्फ आँख का आउटलाइन से तो अच्छा कुछ बनेगा, तो वो बनाइए, ठीक है। एक्चुअली जो टूल्स अगर आपके पास नहीं है, अगर सफिशियंट टूल्स अगर आपके पास नहीं है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप नहीं बना पाएंगे, वो तो जायज़ है। सर मेरा आर्ट करने वाला क्या नहीं है, शीजे क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, ठीक से लिखिए। अच्छा अब देखिए, अब एक सिंपल मैजिक देखिए। इसमें एक टूल हम यूज करेंगे, एक इरेजर हम यूज करेंगे, ठीक है। इरेजर आपके पास जो भी इरेजर है यूज कर सकते हैं, नॉर्मल हार्ड इरेजर, लेकिन ये क्या है ना, इसको मोनो इरेजर बोला जाता है। कितना छोटा है ना, 2.3 mm का इसका लेड है, ये एक इरेजर है, छोटा सा निकला हुआ है ना, ये एक इरेजर है छोटा सा। तो इसके साथ जब हम काम करेंगे जो हाईलाइट जो है उसको बनाने के लिए, देखिए कितना एक मैजिक जैसा काम होता है, पूरा मिटा देता है एंड दूर से वो एकदम चमक जैसा लगता है, जैसा हाईलाइट है वैसा ही लगता है।
चारकोल पे बहुत अच्छे से मिट भी जाता है, पेंसिल पर इतने अच्छे से मिटता ही नहीं है। कौन सा पेपर? मैं थोड़ा सा रफ पेपर यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा रफ काइंड ऑफ पेपर में यूज कर रहा हूँ, उतना स्मूथ नहीं, लेकिन स्मूथ पेपर ऑप्टिमम होता है, सबसे अच्छा होता है। सर मुझे जितना आता है मैं आर्ट कर रहा हूँ जी, करिए। देखिए अगर टूल्स नहीं है, ठीक है, अगर टूल्स नहीं है सर, फिल तो हो गया, पर अब ऐसे मिटाए कैसे, इतना छोटा रबर तो नहीं है, छोटा रबर नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आपके पास जो नॉर्मल रबर है, जो जो चौकोना रबर होता है उसको काटिए, ठीक है। अगर कुछ ब्लेड सबसे रिस्की होगा, अगर जो कैंची, अगर जो धारदार है तो उससे थोड़ा सा जो कट कीजिए, शार्प जो एज है, शार्प कोना जो निकालिए उस इरेजर का, फिर उससे ना हल्के से प्रेशर देके ऐसे ऐसे करिए। कहाँ मिल जाएगा मोनो इरेजर? ये ऑनलाइन मिल जाएगा, जो अमेजोन में मिल जाता है, मोनो इरेजर सर्च करिए वहाँ पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर पेंसिल यूज करेंगे, कौन सा पेंसिल? 4B हो सकता है, 6B हो सकता है, 4B यूज करते हैं, 6B मिल गया हाथ के पास तो 6B यूज करते हैं। एक्चुअली ये जो बी बढ़ता है ना, आप देख रहे हैं 2B जो मैं पहले यूज कर रहा था, वाइट जेल पेन भी यूज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक देता है ड्राइंग में, नेचुरल नहीं लगता पूरा। दे सकते इस जगह पर, दे सकते कोई इशू नहीं होता। देखिए 6B अभी मैं यूज कर, अभी मैं पेंसिल यूज करूँ, देखिए पेंसिल से भी अभी मैं शेडिंग ही करूंगा, क्योंकि ये जो पेंसिल आप इसका नोक देख सकते कितना छोटा होता है, तो इससे जो छोटा छोटा जगह है मैं बहुत अच्छे से जो कवर अप कर सकता हूँ, ब्रश से नहीं कर सकता इतना छोटा जगह कवर अप। तो हर टूल ही मैं यूज करता हूँ, पेंसिल को भी मैं एकदम मतलब इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करता, बट उसका एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। पहले मैं पेंसिल जो यूज नहीं करूंगा कभी भी। कैन यू सी माई आर्ट? मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूँ फिर मैं सभी का देखता हूँ, ठीक है। ये जो प्यूपिल है थोड़ा सा मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं सभी का काम यहाँ पर देखूंगा फिर से। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर पास कर देता हूँ, फिर मुझसे नहीं हो रहा है, थोड़ा सा सब्र रखिए, है ना, कीप सम पेशेंस। इतना देखिए इतना जल्दी नहीं होता, देखिए मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ ये चीज़, 6-7 सालों से कर रहा हूँ एक ही चीज़ हर रोज़, ठीक है। तो उसमें एक ग्रोथ है, आप लोग पार्शियली हॉबी के जैसा करते हैं उसमें एक ग्रोथ है, ठीक है। तो इसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा, हम सभी एक एक स्टेज पर है, मैं भी एक काइंड ऑफ एक स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आप लोग भी स्टूडेंट है, मैं शायद 2 कदम आगे हूँ, आप 2 कदम पीछे, बस यही चीज है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सबर रखना पड़ेगा, हो नहीं रहा होएगा, ठीक है, कैसे होगा वो आपको जानना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर डिटेलिंग्स बनाऊंगा, डिटेलिंग्स क्या है, कुछ नहीं, ये जो ऊपर के जो आईलैशेज है उसका शेडो यहाँ पर गिरा है आग के अंदर, रिफ्लेक्शन, सॉरी शेडो नहीं रिफ्लेक्शन। इसी को भी मैं 6B पेंसिल से ही कर रहा हूँ। एक्चुअली ये जो बी जो बढ़ता है ना, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, 6B 4B एक्चुअली डार्कनेस बढ़ता है, पेंसिल का जो डार्कनेस है वो बढ़ता है, पेंसिल और गाढ़ा होना चालू हो जाता है जितना बी बढ़ता है, और जितना घटता है उतना कम कम होता चालू होता है। तो
जिस जगह पे आपको लगता है कि कम डार्कनेस चाहिए वहाँ पर आपको कम बी का पेंसिल यूज करना है, जिस जगह पे ज्यादा चाहिए वहां पर ज्यादा, सिंपल एज दैट। अब देखिए यहाँ पर मैं डिटेलिंग इसको बना रहा हूँ, इसको भी बनाने का ना एक प्रोसेस है। क्या है कि आपको समझना है कि बीच में एक पॉइंट है, सभी लोग बहुत ध्यान से समझिए, आंख में ये लोग बहुत गलती करते हैं, और ध्यान से समझिए ये चीज़ है ना, समझिए कि एकदम बीच में एक पॉइंट है, ठीक है, और पॉइंट पर पॉइंट तक जा रहा है, हर जो आप डिटेलिंग बनाएंगे छोटा छोटा उसका डिरेक्शन पॉइंट तक होना चाहिए। तो यहाँ पर जब मैं बनाऊंगा ये ऐसा बनेगा, जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा तब वो ऐसा बनेगा, ठीक है, ये देखिए इसका डिरेक्शन इसके तरफ है, जब मैं यहाँ पर बनाऊंगा तब ऐसा होगा, डिरेक्शन हमेशा पॉइंट के तरफ होना चाहिए, छोटा छोटा बनेगा लेकिन वो उसी का डिरेक्शन लगना चाहिए, एकदम बीच के पॉइंट तक जा रहा है। हाइपर रियलिज्म में आपको हमेशा भ्रम पैदा करना है, कॉपी नहीं कर सकते आप, कितना हेयर्स कॉपी करेंगे, हेयर जो हेयर क्या कॉपी कर सकते हैं कभी, कितने लाखों लाखों हेयर्स होते हैं, आप हर एक गिन गिन के बना पाएंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन आप एक इल्यूजन क्रिएट कर पाएंगे, एक भ्रम पैदा कर पाएंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेयर है या फिर बहुत कम हेयर है। मैं यहाँ पर हेयर का एग्जाम्पल दिया, तो ईच एंड एवरी टेक्सचर को आपको यहाँ पर एक इल्यूजन क्रिएट करना है, हर किसी को इमिटेट नहीं करना है, हर किसी को कॉपी नहीं करना है। मैं यहाँ पर वही मोनो इरेजर फिर से लूंगा और कुछ कुछ छोटे डिटेल्स है ना, माइक्रो डिटेल्स यहाँ पर करूंगा। देखिए कितना डार्क जगह भी कितना अच्छे से मिट गया, इतना ब्लैक जगह था लेकिन चारकोल देखिए इतना अच्छा मीडियम होता है, वो अच्छे से मिटा भी देता है पूरा। अच्छा ठीक है, मैं अभी सभी का थोड़ा देख लेता हूँ, मेरा काइंड ऑफ ये जगह कंप्लीट हो गया, काइंड ऑफ थोड़ा सा बाकी है, मैं बाद में कर लूँगा। सभी लोग अपना जो लोग दिखाना चाहते हैं अपना काम, कैमरा ओपन करिए, मैं देख लेता हूँ फिर से। ओके प्रगति जी, वेरी गुड, लेकिन हल्का हो रहा है बहुत, ठीक है, हल्कापन बहुत ज़्यादा है, हल्का नहीं होना चाहिए, डर रहे शायद आप थोड़ा, पेंसिल शायद आपके पास जो एडिक्वेट नहीं है, फिर भी जो भी पेंसिल है थोड़ा सा प्रेशर देके करने का कोशिश करिए, थोड़ा सा ज़्यादा घिसने का कोशिश करिए ताकि आप थोड़ा ज़्यादा शेड ला पाए, बहुत हल्का हो रहा है, सभी को बताऊँगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सभी का काम देख के बताऊँगा यहाँ पर। ओके दीक्षा जी, वेरी गुड, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया है फिर भी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रिया जी वेरी गुड, अनुज जी वेरी गुड वर्क, देखिए कितना अच्छा आप लोग फॉलोअप कर रहे हैं ना। आयुष जी वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। जो आद्रिका राठौर वेरी गुड, डार्कनेस देखिए कितना अच्छे से आप लोग डार्कनेस लाए हैं ना, दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। डार्कनेस लाने में इतना डरते हैं बिगिनर्स, मैं इतना देख चुका हूँ लोगों को डार्कनेस लाने में, मतलब उनको लगता है डार्क करूंगा काम खराब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा हर्ष जी, आपका प्यूपिल बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, मतलब अभी आप कुछ नहीं कर सकते। हर्ष सिन्हा, ठीक है, हर्ष सिन्हा आपको बता रहा हूँ। ओके हर्षिता शाइनी, गुड वर्क, अच्छा काम है। फतिमा जी, अच्छा काम है, शेडिंग बहुत अच्छा हुआ है लेकिन डिटेलिंग में थोड़ा सा खामी है, आप शायद उसे समझ नहीं पा रहे, थोड़ा धीरे धीरे कीजिए। जैनब फतिमा, आप शायद बता रहे थे आपका नहीं हो रहा है ना,
आप में भी बता रहे थे आपका प्रॉब्लम, थोड़ा सा पास से दिखाएंगे थोड़ा सा क्लोजली, फिर भी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे थोड़ा देखने में। आप आपके लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं? अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं ना तो फ़ोन का बैक कैमरे से दिखाइए, ऊपर देखिए कैमरा घुमाने का ऑप्शन रहता है। ओके फिरदोस पाटिल, गुड वर्क, थोड़ा प्यूपिल बड़ा बना है, ठीक है। साक्षी जैन, वेरी गुड शेडिंग, वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ है शेडिंग, है ना। हाइलाइट्स देख कितना अच्छा, आप खुद ही बताइए कितना अच्छा लग रहा है हाइलाइट्स उसके ऊपर, जितना अच्छा आपने शेडिंग दिया है। नैतिक अग्रवाल, गुड वर्क, प्यूपिल सभी का इतना बड़ा क्यों कर दिया आप लोगों ने बाद में। डैनिश मलिक, गुड वर्क, अच्छा काम है। चिरंजीव दास, राइट, चिरंजीव दास आपका हल्का बना है, बहुत वेरी लाइट वर्क, बहुत हल्का काम बना है। सोनाक्षी जैन, वेरी गुड वर्क। ओके आर्यन जी, अच्छा है, ठीक है, पेंसिल से आप लोग कर रहे हैं फिर भी वेरी वर्क। खुशबू जी, वेरी गुड, ठीक है, अच्छा काम बना आपने, पेंसिल से जो करा है या फिर चारकोल से, आप जो बता सकते हैं। ओके यहाँ पर अच्छा, ठीक है सॉरी। प्रिया जी, अच्छा काम है, वेरी गुड। ओके शारदा जी, आपका काम थोड़ा सा हल्का हुआ है, बाकी बहुत अच्छा है। मुस्तफा जी, एक सेकंड, एक्चुअली स्क्रीन इतने ज़्यादा स्प्लिट होते हैं ना, मतलब ऊपर नीचे होना चालू हो जाता है। कृष्णा प्रिया, आपका काम। त्राप्ति, है ना, त्राप्ति जी, आप पेपर तो बहुत एवरेज पेपर पर कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से अच्छा बना है। आउटलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, आप शायद लेट ज्वाइन किए थे मे बी। हर्ष मार्सकोले, राइट, मार्सकोले सॉरी, हर्ष जी, तो आपका ठीक है, जो अच्छा ही बना है। आप देखिए मैक्सिमम लोगों के पास टूल्स नहीं है। कृष्णा प्रिया जी, दिखाइए अपना काम, थोड़ा सा ऊपर करिए, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ओके थोड़ा सा पास लाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। मुस्तफ़ा जी, आपका ओके, आपका ऊपर है, एक सेकंड, हाँ वेरी गुड मुस्तफ़ा जी, बहुत अच्छा बना है। और कोई दिखाना चाहता है अपना काम? और कोई दिखाना चाहता है जिनका हो जा रहा है ना, आप लोग कैमरा ऑफ करिए क्योंकि इस कैमरा से इतने स्प्लिट हो रहा है। ओके नंदिनी जी, वेरी गुड, नंदिनी माधुर, है ना, वेरी गुड वर्क। प्यूपिल इतना बड़े क्यों कर रहे हैं आप लोग सभी लोग, ये तो प्रॉब्लम हो रहा है। प्यूपिल्स आर वेरी बिग, इतना बड़ा नहीं होता। डैनिश मलिक, गुड वर्क। भानु जी, गुड वर्क। शहजीन, है ना, आपका भी अच्छा है लेकिन थोड़ा आउटलाइन में प्रॉब्लम है। ओके खुशबू जी, वेरी गुड, देखिए ये पेंसिल से किया है, उसका जो है पूरा लाइट का जो ग्लेयर है ना वो पड़ रहा है, जैसे कि पहले आप ऊपर करके दिखा रहे थे पूरा डार्क दिख रहा था, अभी थोड़ा सा ग्लेयर कर रहा है क्योंकि लाइट का कॉर्नर में आ गया है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है। इसलिए पेंसिल एंड चारकोल, देयर कॉम्बिनेशन आर वेरी गुड, कॉम्बिनेशन करके यूज़ करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। ओके केंद्रा जी, देखिए आपका पेंसिल का मूवमेंट जो है वो सही नहीं हो रहा, एंड वो जो आपने प्यूपिल का शेप बनाया है ना वो भी राउंड नहीं है, ठीक है, डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना, वेरी गुड वर्क। लेकिन वो आपको और भी अच्छे से जो मैंने चीज़ बोला उस पर काम करना है, ठीक है। जैसे जब आप शेड करते हैं कभी भी प्यूपिल का साइज को नहीं बिगाड़ना है, प्यूपिल जैसे आपने राउंड बनाया था ना, राउंड को राउंड ही रखना है, फिर उसके अंदर आपको शेड करना है, ठीक। ओके तो करिए, वेरी गुड, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है मेरे बातों से, ठीक है, क्योंकि डिमोटिवेट होंगे आप लोग काम छोड़ के चले जाएंगे, वो मैं नहीं चाहता, ठीक है। ओके चलिए फिर से हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, मतलब कहीं पर प्रॉब्लम होंगे मुझे पूछ लीजिएगा जो एनीवेयर। ओके अब देखिए ये प्यूपिल का काम मेरा काइंड ऑफ हो चुका है, इसमें मैं ओवर डिटेलिंग नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कंप्लीशन तक आना है एंड टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा ओवर टाइम करेंगे इसको कम्प्लीट करने के लिए, जस्ट अ लिटिल बिट, जब तक कम्प्लीट नहीं हो जाता। अब आप लोग थोड़ा सा देखिए या फिर मेरे साथ करने का कोशिश कीजिए, मैं थोड़ा सा स्पीड से करूँगा, जस्ट अ लिटिल बिट, ताकि आप लोगों का थोड़ा
यहाँ पर इनसाइट दे सकूँ कि किस जगह पर कैसे काम करना होता है, और क्लास का डिटेल भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, क्लास का डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ पहले, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, है ना। एक सेकंड टाइम दीजिए, एक पेपर लेके आता हूँ तो अच्छे से मैं आप लोगों को समझा पाऊंगा, मुझे जस्ट एक सेकंड दीजिए। ओके सभी लोग बहुत अच्छे से समझिए जो यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ। कुछ भी क्वेश्चन रहता है, कुछ भी डाउट रहता है, फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। देखिए, तो आज जो हमारा हो रहा था या फिर हो रहा है वो है डेमो क्लास। डेमो क्लास का जो मकसद है वो मैंने शुरू में ही बता दिया है, ताकि आप लोगों को एक यहाँ पर एक इनसाइट मिल सके कि आप जिनसे सीखने वाले हैं वो खुद कैसा ड्रॉ करते हैं, या फिर उनका सिखाने का तरीका कैसा है, वो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक से आप ग्रैप कर पा रहे हैं कि नहीं, जो सर बता रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ वो आप ठीक से समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये मेन यहाँ पर आप लोगों का टारगेट होता है ये डेमो क्लास जो करने का। अब हमारा जो क्लास चलता है वो है एडवांस क्लास, ठीक है। एडवांस क्लास हमारा चलता है, इसका टोटल डिटेल मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, इसका टोटल ड्यूरेशन जो होता है, सभी लोग को दिख रहा है ना क्लियरली, राइट। टोटल जो ड्यूरेशन होता है, टोटल ड्यूरेशन जो है वो है 3 मंथ्स का, ठीक है। टोटल इसका ड्यूरेशन जो है वो 3 मंथ्स का होता है, ठीक है। ये हो गया वन। सेकेंड क्या है, सेकेंड है 3 डेज अ वीक क्लास होता है, कौन कौन से दिन, कौन कौन सा दिन, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। अच्छा, टाइम क्या क्या रहता है, टाइम क्या क्या रहता है यहां पर मैं बता देता हूं। टाइम जो है यही टाइम रहता है 8 PM to 9:30 PM। ये बहुत ही सुइटेबल टाइम है फॉर ऑफिस गोअर्स, फॉर स्टूडेंट्स, है ना, सभी के लिए बहुत ही एक सुइटेबल टाइम होता है। फोर्थ क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ एवरी क्लास इज प्रोवाइडेड। रिकॉर्डिंग ऑफ मतलब हर क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ऐसा हो ही सकता है आपने एक क्लास मिस कर दिया, है ना, आपका कुछ जो मतलब जरूरी काम था, पढ़ाई था, मतलब या फिर कुछ मतलब रीजन था। रिकॉर्डिंग्स of every classes are provided, ठीक है। ठीक है, अच्छा, 5 क्या है, Q&A session, ठीक है, Q&A session after class, मतलब क्लास खत्म होने के 10-15 मिनट तक आप कोई भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी चीज यहां पर पूछ सकते हैं। घर पे कोई काम कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा क्लैरिटी कर सकते हैं कि सर देखिए मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे दिखाइए कि क्या क्या गलती हो रहा है, तो आपके जो पर्सनल वर्क्स है उसमें भी मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा। क्यू एंड ए सेशन आफ्टर क्लास 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, ओके। अच्छा, ये टोटल आप लोगों का ये है, और है, मतलब अर्थ देखिए यहाँ पर, और 6 क्या है कि ईच पोर्ट्रेट एवरी मंथ, ईच न्यू पोर्ट्रेट एवरी मंथ। देखिए, एक पोर्ट्रेट पे हम एक महीने तक काम करते हैं, ठीक है। ईच पोर्ट्रेट, ईच न्यू पोर्ट्रेट एवरी मंथ। देखिए, एक एक पोर्ट्रेट का एकदम कॉर्नर में, एकदम कोने कोने में कैसे उसे बनाया जाता है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप में, ताकि आप लोग समझ पाए। जैसे आज का आंख का क्लास आप लोगों ने किया, ऐसे ही सिंपल स्टेप में, सिर्फ आंख तो नहीं, आंख होता है, नाक होता है, मुंह होता है, हेयर्स होते हैं, स्किन के रिंकल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है एक पूरा पोर्ट्रेट में, ठीक है। ये टोटल आप लोगों का बेनिफिट्स है, टोटल क्लास का बेनिफिट्स है, और इसका जो फीस है, टोटल फीस है 1999 फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ का टोटल जो है वो 1999 है टोटल,
9:30 पे, अच्छा आज का बात कर रहे हैं खुशबू जी, आज आज देखिए एक तो चीज़ होता है कि ये ऑनलाइन क्लास है तो लीव करने का एक मतलब अटोनिटी सभी के पास रहता है ना, वो तो आपके खुद के ऊपर है कि आप कितना करना चाहते हैं, कितना सीखना चाहते हैं वो। अब थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा करना पड़े तो शायद करना पड़ सकता है आज, है ना, मे बी, ठीक है, देखेंगे। टोटल फीस जो है 1999 है, और ईच क्लास में मेरा यूसेज टाइम क्लासेस रहता है, उस टाइम क्लासेस रहता है, ठीक है, नो इशू। आप रिकॉर्डिंग्स है जो यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, बाद में मुझे यहाँ पर आप लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके ही भी पूछ सकते हैं बाद में कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, नो इशू, ठीक है। आपके खुद के हिसाब से आप अगर जो क्लास को करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। जी ज़रूर बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा, तो 1999 फॉर 3 मंथ्स। कुछ क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग आप लोगों को, क्लास के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, क्लास में अगर ज्वाइन करना है, जैसे कि क्लास में हमारा लिमिटेड सीट्स रहता है ईच मंथ का, ठीक है, लिमिटेड सीट ईच मंथ का रहता है। लिमिटेड सीट्स कितना रहता है? 25 सीट्स रहते हैं ईच मंथ, जिसमें से काइंड ऑफ 17 सीट्स आर फुल, ठीक है, 17 सीट्स भर चुके हैं काइंड ऑफ अभी, और बाकी जितने भी है आप लोगों के पास है, एक लिमिटेड टाइम है, और कुछ ही दिनों के अंदर नेक्स्ट महीने में हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, ठीक है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे 6295, ये मेरा नंबर है, 6295324360, ये दोनों नंबर थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए, इस दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप में कॉल कर सकते हैं बाद में। एक सेकेंड, अब मैं वो सेकेंड नंबर अभी देता हूँ, फिर मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, डोंट वरी पार्टिसिपेंट्स। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सेकेंड नंबर है 7024852608520, ये मैम का नंबर है, ठीक है। आप लोगों के पास तो मैम का नंबर होगा ही, ज्योति मैम का नंबर, ये ज्योति मैम का नंबर है और ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है, वो मैम का नंबर है, ये मेरा नंबर है। आप कोई सा भी नंबर पे यहाँ पर मैसेज करके ये जो व्हाट्सएप में आप अपना जो है सीट जो है बुक कर सकते हैं, ठीक है जी। फ्री हैंड का पोर्ट्रेट भी सिखाया जाता है, अगर फाइनल पोर्ट्रेट हो जाने के बाद देयर विल बी टाइम, अगर टाइम रहता है तो हम ज़रूर वहाँ पर फ्री हैंड का क्लास कराते हैं। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं ना, फिर हम ड्राइंग में जो है फिर से जो रिटर्न करते हैं, कुछ भी क्वेश्चन होगा ये दोनों नंबर नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। और एकदम लिमिटेड सीट्स हैं, ज़्यादातर सीट्स भर चुके हैं, ठीक है, लास्ट एक डेमो क्लास हमें करना था इसलिए हमने यहाँ पर कराया है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं फिर से, देखिए शेडिंग देखिए बहुत जगह पर, जैसे कि ये जो व्हाइट पोर्शन ऑफ द आई होता है इसमें भी बहुत शेडिंग रहता है, बहुत शेडिंग होता है इसमें, ठीक है, हम नहीं देते। जैसे कि देखिए जो व्हाइट पोर्शन होता है, मैं थोड़ा जल्दी करने वाला हूँ इस टाइम पे, आप लोग थोड़ा फॉलो कर लीजिए कैसे कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिए ये जो आई के अंदर कितना शेड हुआ, देखिए एकदम सफ़ेद बिल्कुल नहीं रहता। हम बहुत लोग क्या करते हैं, सफ़ेद छोड़ देते हैं, मैं भी पहले पहले छोड़ता जब मैं सीखता था पहले, एक्चुअली मैंने खुद से ही सीखा है, तो जब मैं खुद से करता था तब देखता था एकदम सफ़ेद कभी अच्छा नहीं लगता, उसमें कुछ ना कुछ जो शेड ज़रूर होता है, उसके बाद मैंने शेड देना चालू किया एंड वो पूरा लुक ही चेंज कर देता है, आँख का टोटल लुक का चेंज कर देता है पूरा।
ब्रश से देखिए कितना जल्दी हो जाता है काम। ये कौन सा पेपर है? अगर मैं एकदम प्रिसाइसली बोलूँ तो ये ब्रस्टो का मिक्स मीडिया पेपर है। ये पेंसिल का काम करने के लिए उतना सुइटेबल नहीं होता, मतलब पेंसिल का जो काम है वो करने के लिए मैं ब्रस्टो का जो ब्रिस्टल स्मूथ जो करके एक पेपर आता है वो पेपर यूज़ करता हूँ। दैट इज़ वेरी गुड पेपर, बहुत अच्छा पेपर है वो, ब्रस्टो का ब्रिस्टल स्मूथ पेपर 250 जीएसएम का पेपर होता है, बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छा पेपर है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फिर से चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे, ये जो यहाँ पर बॉर्डर है इसको बनाने के लिए। नहीं नहीं जेरोक्स पेपर कभी नहीं करना है, जेरोक्स पेपर वेरी बैड, बहुत बुरा होता है, 75 जीएसएम का पेपर होता है। ड्राइंग के लिए हमेशा थोड़ा सा कैपेसिटी वाला पेपर चाहिए, जो थोड़ा सा जो लोड ले सकता है, मतलब पेंसिल अगर आप 3-4 बार चलाएं तो वो लोड ले सकता है। जैसे कि उस पेपर पर अगर आप गलती करेंगे तो कोई भी स्कोप नहीं रहेगा उस फिर से काम करने का, क्योंकि पेपर ही इतना पतला है, वो नहीं ले पाएगा उतना लोड। देखिए ये जो थोड़ा बड़ा जो जगह होता है उसमें हम ब्लेंडिंग के लिए कॉटन यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये जो नॉर्मल कॉटन होता है, कॉटन को लेना है, थोड़ा सा हल्का रोल करना है, ठीक है। आईलैशेस बनाएंगे, देखिए आईलैशेस भी कितना इजी हो जाता है जब आप ये जो बेस टोन्स वगैरह सब कुछ ठीक दे देते हैं, तब आईलैशेस भी बहुत अच्छे बन जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो हाईलाइट के लिए कुछ यूज़ करूँगा, जो मोनो ज़ीरो इरेजर, देख कितना अच्छे से है ना। देखिए यहाँ पर मिट रहा है, मतलब इतना सफ़ेद यहाँ पर भी है, सफ़ेद बन रहा है, मतलब कुछ यहाँ पर शेडिंग ज़रूर है। देखिए मैं इसको इमिटेट नहीं कर रहा हूँ, इसका इल्यूजन तैयार कर रहा हूँ, जो यहाँ पर डिटेल्स में बना रहा हूँ इसका एक भ्रम पैदा कर रहा हूँ कि ऐसा डिटेल है यहाँ पर। कैसे करना है वही सब सीखने का चीज़ है, ठीक है। सब कुछ एक क्लास में देखिए मैं कितना बोलूँगा, है ना, वही बात है, और मतलब एक्सप्लेन करने का भी टाइम लगता है, इसलिए आप लोग अगर हो सके आप लोगों को अगर फर्दर और ज़्यादा सीखने का चाहत है तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए सिर्फ सिंपल कुछ कुछ लाइन ऐड करने से, सफ़ेद कुछ कुछ लाइन ऐड करने से कितना ज़्यादा कैरेक्टर आ गया इसमें, कितना ज़्यादा रियलिज्म आ गया इसमें, एज सिंपल एज दैट। अगर हम लोग फंडामेंटल को पकड़ के काम करें, एकदम बेसिक्स को पकड़ के काम करें, तो काम टाइम टेकिंग नहीं हो जाता, बहुत ही एकदम स्टेप्स ड्रिवन हो जाता है, ठीक है, जिससे हम बहुत ही आसानी से उसे कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे, जैसे 8B हो सकता है या फिर 8B नहीं 4B यूज़ करते हैं, डार्क नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेडी पेंसिल चाहिए। 8B बहुत ही सॉफ्ट पेंसिल होता है, जैसे ये मैंने 4B अभी लिया, इससे मैं आईलैशेस को बनाऊंगा। देखिए आईलैशेस को बनाने का एक तरीका होता है, जैसे जो मूवमेंट है उसको थोड़ा समझने का कोशिश करें।
फ्री स्ट्रोक्स है ना, डर जो डर डर के नहीं, एकदम फ्री होके स्ट्रोक्स देने हैं। जितना डरेंगे उतना गलती होने का चांस 100% की तरफ जाएगा। अब डर जो है एक दिन में नहीं जाएगा, इसीलिए प्रैक्टिस जो आपको करना पड़ेगा, गलती कर करके सीखना पड़ेगा। पहले कुछ कुछ बना के इसका जो डायरेक्शन है, जो ये जा रहा है ना जैसे, उसको पहले बनाना पड़ता है। पहले ही अगर हम बनाते जाए तो हो सकता है उसका जो मतलब जो स्ट्रक्चर है वही बिगड़ जाए, है ना। क्योंकि जब ऐसे घूमता है आईलैशेस, आप देख सकते हैं इसका जो रोटेशन देख सकते हैं, पहले साइड में था, फिर सीधा हुआ, फिर एक साइड में, इस साइड में चला गया। ठीक है, इसका जो टोटल एक रोटेशन है उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। हाँ, ड्राइंग पेपर यूज़ कर सकते हैं, ड्राइंग पेपर अच्छा होता है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। अगर आप कोई एक टाइम टेकिंग काम कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा जो मैंने बोला पेपर, वो आपका टाइम टू जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखेगा, है ना। आप टाइम दे रहे हैं तो आपको ज़रूर वहाँ पर कुछ एक अच्छा चीज़ यहाँ पर यूज़ करना है, अच्छा पेपर यूज़ करना है, ताकि वो टाइम का वैल्यू आप रख सके उसमें। ठीक है, ऊपर का जो आई लैशेज मैंने बना दिया है, नीचे का सेम तरीके से, नीचे का डेंसिटी कम होता है, नीचे का जो यहाँ पर नीचे का आई लैशेज जो हेयर्स होते हैं उनका डेंसिटी बहुत कम होता है। कितना सिंपली बन गया है ना, फॉलो द स्टेप्स। ठीक है, वो कितना अच्छे से बन जाता है, इतना रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। इसका टोटल रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। और वो रिकॉर्डिंग पूरा लाइफ टाइम के लिए फ्री ही रहेगा इस क्लास का, और वो हमारा हर क्लास का वही रहता है। ठीक है, आप अगर ज्वाइन करने के बाद जो रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिया जाएगा लाइफ टाइम, जितने दिन तक आप लोगों के पास लिंक रहेगा उतने दिन तक आप देख पाएंगे, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा वो रिकॉर्डिंग वीडियोस का। ओके, इट्स डन। ठीक है, और कुछ ज्यादा नहीं है करने को, तब देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ सिंपल कुछ स्टेप्स को फॉलो करें, कुछ रूल्स को फॉलो करें, कुछ प्रैक्टिसेस करें, तो काम कितना आसान हो जाता है, एक अच्छा क्वालिटी का काम भी कितना स्टेप बाय स्टेप में चला आता है। ठीक है, जैसे देखिए आप लोगों से बात करते हुए मैंने कर दिया, ठीक है, ये हाइलाइट्स की वजह से देखिए काम का पूरा लेवल बहुत बढ़ गया। अगर ये मैं अगर अभी मिटा दूँ ना, हल्का कर दूँ, इसका लेवल झट से डिग्रेड हो जाएगा। तो हर चीज़ को मेंटेन रखना, डार्क को ठीक से डार्क करना, आई लैशेज का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखना, ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है काम में। ठीक है, सो आप लोगों को कैसा लगा क्लास, आप लोग थोड़ा, अच्छा माइक थोड़ा ऑन कर देते हैं, माइक थोड़ा अभी ऑन कर देता हूँ मैं। ठीक है, सभी को माइक ऑन करने का ऑप्शन मैंने दे दिया है, तो आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते पूछ सकते हैं, आप लोग कुछ बोलना चाहते तो पूछ सकते हैं, मैंने सभी लोगों का माइक का ऑप्शन ऑन कर दिया है। ये सर टोटल तीन मंथ का कोर्स है। ठीक है, तीन मंथ का मतलब यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो जो टोटल जो आप लोगों के जो फीस चार्ज किया जाएगा 1999, वो पर मंथ नहीं जो लिया जाएगा, 3 महीने का टोटल 1999 है। ठीक है, और कुछ पूछना है आप लोगों को, कैसा लगा क्लास वो भी बताइए थोड़ा, है ना, अच्छा लगा, बुरा लगा, एवरेज लगा। अच्छा,
जी जी देखिए जरूर, देखिए 3 महीना एक लंबा टाइम होता है। आप अगर यहाँ पर गिने, मतलब एक एक महीने में आप अगर क्लास करेंगे तो आपको 12 क्लासेस मिलेंगे, राइट। तो 3 महीने में वो 36 क्लासेस, राइट। तो उसमें जरूर आप सीखेंगे, ठीक है। बेसिक है, देखिए बेसिक सर, बेसिक जो चीज, हाँ एक्चुअली जो बेसिक जो एडवांस ये जो होता है ना, टोटली एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम बिताए हैं उस चीज के साथ, वो आपको एडवांस कर देगा। टाइमिंग सर रहेगा 8 PM to 9:30 PM। टूल्स के नाम, अच्छा वो में लिंक है, जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगे कोर्स को, तब आपको एकदम लिंक के साथ नाम जो है वो दे दिया जाएगा। बहुत अच्छा लगा क्लास, आपकी ड्राइंग पूरी रियल लग रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नैतिक जी, थैंक यू। चेहरा एक्चुअली मैं थोड़ा सा वो जो कैमरा शाई हूँ, है ना, मैं वो क्लास में भी फेस नहीं दिखा रही जो हमारा ये, ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके सर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लास में इतने अच्छे हो गए, आई एम रियली इम्प्रेस, थैंक यू सो मच, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। कुछ अगर चीज आपको खामी लगा है ना कुछ देखिए एक्चुअली आई एम सो सॉरी, है ना, वो एक्चुअली मैं बहुत कैमरा शाई हूँ, है ना, मैं ये जो बोल पा रहा हूँ ना, ये जो माइक में, ये भी मैंने बहुत दिनों के बाद अचीव किया है, ठीक है। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, तो बहुत कैमरा शाई हूँ मैं, वही बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आज हाँ बोलिए। जी जी जरूर जरूर सर, आपको टोटली जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे कोर्स को, तब आपको टोटली लिंक के साथ जो है टूल्स का पूरा दे दिया जाएगा, है ना। आप पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप भी खरीद सकते हैं। प्राइस जो है, अगर मैं टोटल बताऊं सर, वो 1000 के अंदर हो जाता है टोटल। हाँ 1000 1200 उसके अंदर आ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, एक्चुअली क्या है ना, अगर बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर, है ना, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, थैंक यू जी। बोलिए। अच्छा सर, एकदम मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। अगर मैं जो जो चीज आज तो उन्होंने पूरा क्लास किया ना मेरे साथ जी सर, तो जो जब मैं बोल रहा था वो मतलब वो क्या खुद से सब कुछ कैप्चर कर पा रहे थे या फिर आपको इंटरप्रेट करना पड़ रहा था? अच्छा देखिए सर, अगर मतलब मेरा जो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो उनको अगर पूरा समझ में आ रहा है, ठीक है, तो वो क्लास कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसा हो रहा है कि मैं जो बता पा रहा हूँ वो उनके साथ मतलब अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, वो समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर एज के हिसाब से जो होता है ना, जो मैच्योरिटी है, वो एक्चुअली समझ में नहीं पा रहे जो मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें, तब सर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा तब सर। अभी जी सर जी, मतलब उनका जो काम का जो काम उन्होंने बनाया है वो देख के आप बता पाएंगे, है ना, मतलब आज जो आपने नेक्स्ट डेमो क्लास सर, उसका कोई श्योरिटी नहीं है अभी, लेकिन सून ही होगा, है ना, जल्दी, अगर होगा एक जल्दी होगा, 1-2 हफ्ता बाद जरूर होगा। जरूर सर, आपको जो उस ग्रुप में आपको मतलब जो नोटिफाई कर दिया जाएगा। ओके
अच्छा ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, वीडियो का एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा, जितने दिन तक आपके पास लिंक है उतने दिन तक, है ना। मतलब ऐसा कभी होता है कि व्हाट्सएप अगर फॉर्मेट हो जाता है, लिंक तो चला जाएगा उसके बाद, तो दैट विल बी प्रॉब्लम, लेकिन लिंक जब तक आपके पास रहेगा तब तक आप देख पाएंगे। वो एक्चुअली यूट्यूब पर मैं अनलिस्टेड करके वीडियो छोड़ता हूँ, है ना। तो मतलब जिनके पास लिंक रहता है वही सिर्फ देख पाएंगे उस वीडियो को, ठीक है। तो वो वीडियो तो यूट्यूब में लाइफ टाइम रह जाएगा, तो वही बात है सर। पेमेंट सर ऑनलाइन, जो ऑनलाइन पेमेंट मेथड है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम है, एनीथिंग इन यू कैन पे। जरूर सर, ये मैंने यहाँ पर नंबर दिए हैं, आप जो पहले उन पर कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, फिर मैं वहाँ पर दे दूंगा। इन दोनों नंबर से कोई भी एक नंबर में आप कर सकते हैं। स्केच बनाने का कितना, स्केच बनाने का वो डिपेंड करता है, मुझे मैसेज करिए। योर पेशेंस इन टीचिंग इज ऑल्सो कमेंडेबल, थैंक यू। ये मैंने अचीव किया है ना, 1.5 साल से जो मैं क्लास करा रहा हूँ। जी सर, जी बोलिए सर। ओके सर, ओके, नो नो प्रॉब्लम। कैन यू शेयर नंबर हियर? अच्छा, हियर ना, एक नंबर है 6295324360। सॉरी, टाइप नहीं हो रहा। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। एक्चुअली सर, आई कैन टेल इट इन इंग्लिश, बट द इंटरप्रिटेशन विल बी वेरी स्मॉल, लाइक द मेजोरिटी ऑफ क्लास विल बी इन हिंदी। बिकॉज फॉर द ओके सर, ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर। 69, ये एक नंबर है, और सेकेंड जो नंबर है वो 7024845360। ये दोनों नंबर है, ठीक है। ये दोनों नंबर मैंने टाइप कर दिया है चैट में, तो आप इन दोनों नंबर में से मैम का नंबर सबसे अच्छा होगा, अगर आप जो रीच करें तो। मेरा नंबर भी अच्छा होगा, शायद रेस्पॉन्स थोड़ा लेट मिले, लेकिन मैम का एकदम झट से मिल जाएगा आपको रेस्पॉन्स। जी बोलिए। व्हाट? ओके 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 ओके, एक सेकेंड देख लेता हूँ मैं। मुस्तफा जी, आप बोल रहे थे? ओके, बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, आद्रिका जी, अच्छा बना है, गुड वर्क। जितने लोग अभी हैं क्लास में, जो मतलब हाफ पीपल चले गए हैं, टाइम इज ओवर ऑल्सो वेरी सून, मतलब अ वाइल एगो, फिर भी बहुत लोग ज्वाइन है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, ठीक है। आप लोग हो सके तो थोड़ा सा काम दिखाइए, उसके बाद हम क्लास को खत्म कर देंगे। दीक्षा जी, वेरी गुड वर्क, नाइस वर्क, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। जो मतलब अनुज जी, वेरी गुड वर्क। प्रगति जी, गुड वर्क। थोड़ा सा हल्का काम हो रहा है आपको डार्क करने में, शायद हो सकता है डर लगता है, या फिर आपके पास टूल्स नहीं है एडिक्वेट, लेकिन बहुत अच्छा काम बना है। हाँ वही बात है, नहीं, बहुत अच्छा काम। सिर्फ सिर्फ एजी पेंसिल यूज किया आपने? फिर तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा काम बना है। डैनिश मलिक, वेरी गुड वर्क, वेरी गुड वर्क डैनिश जी, वेरी गुड वर्क। देखिए, आग के बीच में शेड करने से कितना चेंज आ जाता है ना काम में, कितना चेंज आ जाता है। डैनिश जी, वेरी गुड वर्क, वेरी गुड। मुरली जी, वेरी गुड वर्क। देखिए कितना अच्छा काम बना है आप लोगों ने, एंड चेंजेस यू कैन सी, है ना, आप लोग चेंजेस देख सकते हैं। सिर्फ एक 1.5 घंटे के क्लास में आपके काम में चेंजेस कम जो घटा है या फिर बढ़ा है वो आप खुद देख सकते हैं, है ना।
मुरली जी वेरी गुड वर्क, बहुत अच्छा काम है। कृष्णा प्रिया जी वेरी गुड वर्क। नंदिनी माथुर वेरी गुड। ओके आयुष जी वेरी गुड। ओके अनुज जी वेरी गुड वर्क। ओके काइंड ऑफ मैंने सभी का काम देख लिया है, ठीक है, वेरी गुड। बहुत मुझे इतना अच्छा लगा आज का क्लास करके, मतलब बेस्ट डेमो क्लास था मेरा, है ना। इतने रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट्स, है ना। सिर्फ अच्छा बोलना वो यहाँ पर मैटर नहीं है, अगर सुनने वाला ना हो तो बोलने का क्या फायदा, है ना। व्हाट इज योर मदर टंग? मेरा मदर टंग बंगाली है, मैं बंगाली हूँ, ठीक है। ओके एनी सजेशन ऑन माई ड्रॉइंग? नहीं नहीं अच्छा बन रहा है अनुज जी, आप थोड़ा टाइम दीजिए वो और अच्छा हो जाएगा। आई विल कॉन्टेक्ट नो व्हाट्सएप आवर नंबर नाइन से। थैंक यू, थैंक यू। ओके हेलो जी मैम, बोलिए। थैंक यू मैम। ओके मैम नेक्स्ट बैच मैम। जी मैम ये जो डेमो क्लास है इसके बाद जो एडवांस क्लास वो शुरू होगा वो नेक्स्ट महीने के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक के हाफ में, है ना। मतलब 1.5 वीक के अंदर शुरू हो जाएगा नेक्स्ट महीने में, नेक्स्ट मंथ। राइट, हाँ राइट मैम, राइट। देखिए एक्चुअली मैम जो बैचेस स्टार्ट होते हैं जो न्यू बैचेस वो हर मंथ के 1.5 मंथ के जो हाफ वीक के अंदर ही शुरू हो जाता है, फर्स्ट वीक के अंदर मोस्ट प्रोबेबली, जो हर महीने के। नहीं मैम करेंटली सिर्फ हम पोर्ट्रेट पर ही काम कर रहे हैं, ठीक है। हाँ मैम नहीं करेंटली मैम हम सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। राइट मैम, राइट। जरूर मैम, जरूर। ओके जरूर मैम, आप एक काम करिए, सबसे अच्छा होगा आप जो मैम है ना, मैम का नंबर पे आप थोड़ा ये जो आपने जो मुझे, हाँ राइट मैम, राइट राइट, तो उनको थोड़ा बोल दीजिए, वो आपके नंबर को स्पेशली सेव करके रखेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना, टाइम पे। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके जी सिर्फ मैम ये जो आपने देखा जो मैंने डेमो क्लास जो डेमो वर्क्स दिखाए थे, मतलब एक काम में दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो ऐसा काइंड ऑफ जो अचीवमेंट आप लोगों को करना सिखाया जाएगा सिर्फ पेंसिल में, है ना, पेंसिल एंड चारकोल। नहीं मैम सिर्फ सिर्फ ओनली पेंसिल मैम, पेंसिल एंड चारकोल। तो हम मतलब एक्चुअली मैम वो क्लासेस हमने अभी तक चालू नहीं किए हैं, है ना, इन फ्यूचर अगर करेंगे जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक यू मैम जी। ओके ओके मैम, ओके ओके मैम, ठीक है देन। ओके मैम देन गुड नाइट सभी को, है ना। बहुत अच्छा लगा मुझे क्लास करके, आप लोगों को भी शायद अच्छा लगा होगा, कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा आपके लाइफ में, है ना, आज के 1.5 घंटे में। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड गुड नाइट सभी को, है ना। इसका पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा।